के वो है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर अच्छा ट्रांजिस्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बहुत सारी अप्लायंसेस में यूज होता है और सबसे बड़ा इसका यूज ये है कि ये एज ए एम्पलीफायर यूज होता है मोस्टली डिवाइसेस में। लाइक आप डेली लाइफ में देखते हैं कि अगर आप बोल रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी माइक एटसेट्रा या स्पीकर वगैरह तो आपकी साउंड वेव्स एक खास डिस्टेंस तक जाती है, उसके बाद उनके पास एनफ एनर्जी नहीं होती कि वो आगे मजीद प्रोपगेट कर सके। लाइक अगर आप यहाँ से बोलते हैं तो भाई रोड पे आपकी आवाज बामुश्किल जाती है, लेकिन अगर यही बात आप स्पीकर पे करें तो पूरा जो मोहल्ला है वो सुनता है। क्यों? आपकी आवाज वहां तक पहुंची है। क्यों? क्योंकि अब आपकी साउंड वेव्स के पास एनर्जी ज्यादा होगी और वो एनर्जी ज्यादा किसने की? एम्पलीफायर ने, जिसने आपके सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, और एम्पलीफाई करने के लिए हम यूज किसका करते हैं? ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसकी नंबर ऑफ एप्लीकेशन है और जो नंबर ऑफ वे से हम इसको बना भी सकते हैं, बट आज यहाँ एफएससी में हम इसका बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे, बेसिक कंस्ट्रक्शन के हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और मतलब हम इसको जस्ट एज एम्पलीफायर कैसे यूज कर सकते हैं लार्ज स्केल पे। आइए इसकी जो डिफरेंट फॉर्म है वो आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, बट कुछ हद तक हम इसका इंट्रो यहाँ पढ़ेंगे। अब जो लफ्ज ट्रांजिस्टर है ये वैसे हमारे पास दो लफ्जों की कम्बिनेशन से बनता है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। इसको हम क्या कह सकते हैं? ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जो होती है वो ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस लिख लो, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस की ट्रांसफरिंग टेक प्लेस होती है इसके अंदर। अब जो ट्रांजिस्टर है ये बना होता है पीएन जंक्शन से ही हम इसको बनाते हैं। पीएन जंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। अब पीएन जंक्शन में रेजिस्टेंस कहां होती है? अपोजिशन। पीएन जंक्शन में अपोजिशन कहां होती है? लाइक ये मेरे पास है पी टाइप है सेमीकंडक्टर और इसके साथ अगर मैं मिला दूं एन टाइप तो रेजिस्टेंस कहां बनेगी? जंक्शन पर। यहाँ बैरियर बन जाएगा। ठीक है ना, जिसमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा और ये न्यूट्रल रीजन एज अ डिप्लीशन रीजन या एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज होता है, क्योंकि जब तक ये टूटा नहीं है तो ये चार्जेस को फ्लो नहीं होने देंगे। ठीक है, अब जो ट्रांजिस्टर है उसमें ये जो रेजिस्टेंस है या डिप्लीशन रीजन है या बैरियर है इसकी शिफ्टिंग टेक प्लेस होती है। ठीक है, कैसे? क्योंकि ट्रांजिस्टर हमारे पास एक जंक्शन पे कंसिस्ट नहीं होता, इसमें दो जंक्शन होते हैं। दो सेमीकंडक्टर के मिलने से एक जंक्शन बनता है, तो दो जंक्शन बनाने के लिए मिनिमम कितनी सेमीकंडक्टर हमें चाहिए? हाँ, तीन। क्या अब पी एन और इसके साथ भी पी लगा दो तो पी और एन एक जंक्शन यहां बनेगा। बात समझ रहे हैं ना? लाल केस का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह हो सकता है। अब यहां दो हमारे पास जंक्शन बन गया और ये बन गया ट्रांजिस्टर। इसमें होता क्या है? तो इसमें हमारे पास तीन टर्मिनल होते हैं, एक ये और एक ये। एक सर्किट सपोज करो ये बनेगा यहां और दूसरा सर्किट लेट सपोज हम इसको अगर कॉमन यूज करें तो ये बनेगा। ठीक है, एक सर्किट को हम इनपुट देते हैं और ये एम्पलीफाई करता है उसी इनपुट को और दूसरे सर्किट से वो हमें आउटपुट के तौर पे वो साउंड या वो इनपुट सिग्नल मिलता है। लेकिन इनपुट सर्किट हम हमेशा फॉरवर्ड बायस बनाते हैं। कैसा बनाते? और आउटपुट सर्किट हम कैसा बनाते? रिवर्स। जब ये फॉरवर्ड बायस बनाते हैं तो लाजमी है ये वाला डिप्लीशन रीजन क्या हो जाता है? खत्म। लेकिन ये जब रिवर्स बनाते हैं तो ये रीजन क्या होता है? इंक्रीज। तो दूसरे लफ्ज में हम ये कहते हैं जब हम इसको वर्किंग प्रोसेस में लाते तो ये वाला डिप्लीशन रीजन यहां से यहां शिफ्ट होता है। यस, लाइक ये डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है और ये वाला रीजन क्या होता है? तो इस तरह ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस इसके अंदर टेक प्लेस करती है। इसी बेस पे हम इसका नाम क्या रखते हैं? ट्रांजिस्टर। क्लियर है? यस। लेकिन ट्रांजिस्टर होता क्या है?
ये एक ऐसी डिवाइस है जो बैक टू बैक थ्री सेमीकंडक्टर्स के मिलने से बनाई जाती है, जिसमें एक टाइप का सेमीकंडक्टर दो अदर सेम टाइप के सेमीकंडक्टर के दरमियान हम फिट कर देते। लाइक यहाँ कौन सा सेमीकंडक्टर है? एन टाइप। एन टाइप किन दो के बीच में है? पी। या ऐसे कर सकते हैं हम के साइड वाले दो क्या रख लो एन टाइप और बीच में क्या आ जाएगा पी। लेकिन कहानी फिर भी वही बनी के मिड वाला जो सेमीकंडक्टर ये एन टाइप होगा जो के दूसरी दो सेम टाइप सेमीकंडक्टर के दरमियान में हमने फिट किया होगा। तो इस तरह इन तीन सेमीकंडक्टर के मिलने से हमारे पास क्या बन जाते हैं? ट्रांजिस्टर। क्या बन जाते हैं? ट्रांजिस्टर। तो फिर ट्रांजिस्टर को हम क्या लिखें? ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस व्हिच इज फॉर्मड बाय सैंडविचिंग वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर between two other same type of semiconductor. ठीक है कि दो सेम टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के दरमियान आप एक तीसरी मतलब उन दोनों से डिफरेंट जो सेमीकंडक्टर है वो फिट कर देते हैं और इस तरह इन तीन सेमीकंडक्टर के मिलने से हमारे पास ट्रांजिस्टर क्या बन जाते हैं? ट्रांजिस्टर। अब जब तीन टाइप के हम सेमीकंडक्टर बनाते तो जंक्शन के कितने बनते? दो। इट कंसिस्ट टू जंक्शन। ये कितने जंक्शन बनाते हैं? दो जंक्शन बनाते हैं और इसमें रीजन कितने होते हैं? तीन रीजन या तीन टर्मिनल इसके हो सकते हैं। वन टू थ्री टू जंक्शन एंड थ्री रीजन दैट मे बी एट पी एन आर पी एन पी के वो जो रीजन है वो एन पी एन भी हो सकती है और पी एन पी भी हो सकती है। बात समझ गए? और अगर इसके रीजन तीन है तो इसके टर्मिनल भी कितने होंगे? तीन टर्मिनल इसके बनेंगे। एक रीजन ये वाला इस यहाँ एक टर्मिनल हो सकते हैं, एक टर्मिनल यहाँ, एक टर्मिनल यहाँ, तो इसके टर्मिनल भी कितने होंगे? वैसे हमारे पास जब हम बैटरी यूज करते हैं तो कितने टर्मिनल होते हैं बैटरी के? दो। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? तीन। अब हम कहते हैं ट्रांजिस्टर में दो सर्किट बनते हैं, एक इनपुट सर्किट दूसरा आउटपुट सर्किट। एक कंप्लीट सर्किट के लिए कितने टर्मिनल होना जरूरी है? दो। एक कंप्लीट सर्किट के लिए कितने टर्मिनल होना जरूरी है? दो। तो दो कंप्लीट सर्किट के लिए कितने टर्मिनल होना जरूरी है? तीन या चार? तीन। चार। दो कंप्लीट सर्किट, एक कंप्लीट सर्किट के लिए दो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दो कंप्लीट सर्किट के लिए फिर चार। लेकिन यहाँ तीन ही, इस पर गौर करो कि चार कैसे बने। तब तक मैं ये लिख लेता हूँ, इट हैज थ्री टर्मिनल। नाउ नेस उन क्या नाम भी डाल लेते हैं। अब देखो इनमें से एक टर्मिनल वो होते हैं जो जो हमारे पास चार्ज कैरियर होते हैं उनको एक तरह से अमिट करते हैं, मतलब उनको आगे पास आउट करते हैं। ठीक है, दूसरा टर्मिनल वो होता है जो उनको कलेक्ट करते हैं, मतलब जिसकी तरफ वो जा रहे होते हैं वो आगे से उनको रिसीव करते हैं। तीसरे एज अ बेस बेस के तौर पर एक्ट करते हैं जो उन दोनों को आपस में मतलब जोड़े रखता है, या फिर वो एक थिन लेयर होती है, लेस दूर की होती है जो दो सर्किट बनाने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो थर्ड टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक तरह से वो कंट्रोल
जो हमारे पास करंट उसको कंट्रोल करने के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है, जो लेस डूप्ड एरिया होते हैं। तो इस बेस पे हम इनके क्या नाम रखेंगे, एक जो चार्जेस को ये चार्ज कैरियर को एमिट करते हैं, मीन पास आउट करते हैं, उसको क्या कहेंगे, एमिटेड, दूसरा बेस, और थर्ड वन जो कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट। इसके तीन रीजन कौन कौन से हो गए, एमिटेड, बेस और कलेक्ट। अब यहां अगर हम ये तीन रीजन बनाना चाहें तो लेट्स सपोज ये वाला रीजन क्या कहलाएगा, एमिटेड, सपोज ये जो सेंटर वाला रीजन है ये क्या कहलाएगा, और ये जो रीजन है लेकिन इसमें कितनी टर्मिनल है, तीन। तो चौथे टर्मिनल हम कहां से लाएंगे, इट हैज टू कंप्लीट सर्किट्स, इसके दो कंप्लीट सर्किट होते हैं, एक हम इनपुट देते हैं, दूसरे से हम आउटपुट लेते हैं, बात समझिए। तो चौथा सर्किट, चौथा टर्मिनल कौन सा होगा, माइंड में रखना, इट हैज टू कंप्लीट सर्किट इन विच इनपुट इज गिवन टू, उनमें से एक फॉरवर्ड बायस एक्ट करते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड बायस वाला जो सर्किट होता है उसको हम हमेशा इनपुट देते हैं, रिवर्स बायस वाले सर्किट से हम आउटपुट लेते हैं, इन विच इनपुट इज गिवन टू फॉरवर्ड बायस सर्किट एंड आउटपुट इज गेन एक्रॉस रिवर्स बायस्ड सर्किट। क्लियर हो गया कि रिवर्स बायस के अक्रॉस हम क्या लेंगे, गेन आउटपुट, और इनपुट हम कहां देंगे, फॉरवर्ड बायस सर्किट को इनपुट देंगे। लेकिन याद रखना, इनपुट जब हम देते हैं तो इनपुट देने के लिए हमें लो वोल्टेज चाहिए। लाइक आपके हाथ में माइक है, आप कहते हैं हेलो, तो आपने एक सिग्नल दिया, उस सिग्नल को आगे प्रोपगेट करने के लिए थोड़ी सी वोल्टेज चाहिए जो इस जंक्शन को तोड़ने के लिए एनफ, बस ये जंक्शन टूट जाएगा तो आपका ये सिग्नल आगे चला जाएगा। लेकिन आउटपुट जिसके अक्रॉस हम ले रहे हैं वो रिवर्स बायस है, वहां वोल्टेज क्या चाहिए, हाई, जो आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करे। आपने कहा हेलो, आगे स्पीकर लगा हुआ है रिवर्स बायस सर्किट के साथ, स्पीकर ने कहा जब हेलो तो पूरे मोहल्ले ने सुना, बात समझ रहे ना। लेकिन वो जो आउटपुट सिग्नल मिला वो किस सर्किट के अक्रॉस है, रिवर्स, और जो बैटरी कनेक्टेड है वहां वो बैटरी कौन सी है, हाई पोटेंशियल, कौन सी है, हाई पोटेंशियल। क्लियर है, रिवर्स बायस के अक्रॉस हाई पोटेंशियल बैटरी होगी, फॉरवर्ड बायस के अक्रॉस लो पोटेंशियल। वहां हाई पोटेंशियल क्यों होगी, क्योंकि आपको सिग्नल एम्पलीफाइड चाहिए। क्लियर है, अब हम इसकी डायग्राम बना लेते, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताओ कि फोर्थ टर्मिनल कहां से आएगा दो सर्किट्स को कंप्लीट करने के लिए। हाँ, हमारे पास तो तीन टर्मिनल है ना, दो कंप्लीट सर्किट के लिए कितने टर्मिनल चाहिए, फोर। तो बताओ फोर्थ टर्मिनल कहां से आएगा, लाजमी बात है इन्हीं तीन के चार बनाने ही, तो एक कोई एक इनमें से काम कोई है कॉमन। अब देखो हम कॉमन कितने टर्मिनल को रख सकते हैं, बेस को भी कॉमन रख सकते हैं, एमिटर को भी कॉमन रख सकते हैं, और कलेक्टर को भी कॉमन रख सकते हैं, बात समझ रहे ना। तो फिर कितने तरह के हमारे पास ट्रांजिस्टर बन जाएंगे, तीन वे से ये एक्ट करेगा। ट्रांजिस्टर की मेन टाइप्स दो ही होती है, एनपीएन या पीएनपी, बट आगे वर्किंग की बेस पे हम कितने तरह का बना सकते हैं, तीन, ठीक है। जो सर्किट डायग्राम होती है वो तीन तरह से हम बना सकते, लेकिन पहले हम यहाँ ट्रांजिस्टर बना लें। देखो सपोज करो कि ये मेरे पास
कोई एक रीजन है, लाइक इसको मैं कहता हूँ मैं कोई ट्रांजिस्टर बना रहा हूँ पीएनपी या एनपी या आगे एन, इसके साथ आगे क्या बनाऊंगा पी, लेकिन एन और पी के दरमियान क्या बनेगा, जंक्शन बनेगा ना, ये आ गया जंक्शन एन और पी के दरमियान जंक्शन बैरियर, और इसके साथ क्या बनेगा आगे एन, ये आ गया एन टाइम और ये आ गया और पी के साथ फिर अगेन कौन सा बनाने एन, लेकिन एन और पी के अक्रॉस अगेन क्या बनेगा यहां बैरियर, तो ये आ गया बैरियर और इसके साथ आगे क्या बनेगा ये आ गया आपके पास एन पी एन ट्रांजिस्टर, क्लियर है, एन पी एन, एन पी एन में देखो ये क्या है दो जंक्शन, अब इन जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एस्टेब्लिश होगा, देखो यहाँ इस पहले एनपी रीजन की बात करो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाएंगे, तो इधर इलेक्ट्रॉन ये बनी नेगेटिवली है और इधर बनी पॉजिटिवली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एस्टेब्लिश होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश्ड, क्लियर, अब इस रीजन में देखो इलेक्ट्रॉन इधर है फ्री और इधर क्या है फ्री होल्स, तो इलेक्ट्रॉन यहां से डिफ्यूज होंगे इधर, तो इलेक्ट्रॉन इधर डिफिशिएंसी शो करेंगे इलेक्ट्रॉन और इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां कौन सा रीजन बनेगा नेगेटिव, और जहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहां कौन सा रीजन बनेगा पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहे हैं एन, तो इट मींस एन में इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो रही है एन रीजन, वहां पे कौन सा रीजन बना पॉजिटिव, और जाके इधर पी में इलेक्ट्रॉन तादाद में ज्यादा हो गए तो कौन सा रीजन लेयर नेगेटिव बन, इधर लेयर नेगेटिव बनेगी इधर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बन गया हमारे पास दो बैरियर और तीन रीजन, एक रीजन को हम क्या कहते हैं अमिटर, इस रीजन को हम क्या कहते हैं बेस, इस रीजन को हम क्या कहते हैं कलेक्टर, गुड, अब इन तीनों में फर्क क्या है, एक हमारे पास आ गया अमिटर, दूसरे आ गई बेस, तीसरा आ गया अमिटर, इसका साइज क्या होगा इंटरमीडिएट, मीटर का साइज क्या होगा इंटरमीडिएट साइज, बेस, बेस का साइज क्या होता है बहुत स्मॉल, बेस का साइज होता है थिन, मीन थिन साइज की बेस होती है, और कलेक्टर कलेक्टर का साइज क्या होता है लार्ज, मीन इन सब में से सबसे बड़ा साइज किसको होगा कलेक्टर का, उससे कम मीटर, सबसे कम बेस, बेस का, लेकिन अब डूपन की बात करती है फ्री चार्ज किसके पास ज्यादा होंगे, डूपन का मतलब जितने डूप्ड एलिमेंट होंगे इतने फ्री चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे, सबसे ज्यादा डूप्ड कौन सा रीजन होगा अमिटर, हाईली डूप्ड होगा, ये कौन सा होगा हाईली डूप्ड का मतलब है सबसे ज्यादा चार्ज कैरियर किसके पास अमिटर के पास, और वो चार्ज कैरियर अमिट करेगा देगा, ये थिन लेयर है स्मॉल लेयर, लेकिन इसकी डूपिंग क्या होगी, डूपिंग वेरी स्मॉल, इसकी डूपिंग बहुत कम होती है, वेरी स्मॉल अमाउंट में ये डूप्ड होता है, मीन इसके पास चार्ज के लिए बहुत ही कम होती है, ताकि चार्ज के लिए कम होने वाली से करंट लीकेज को बचाया जा सके, करंट लीकेज का होता है, और जो हमारे पास ये कलेक्टर होता है जिसका एरिया लार्ज होता है इसकी डूपिंग के बारे में क्या कहा इंटरमीडिएट, इसका एरिया बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बेस, इंटरमीडिएट डूपिंग भी इसके ये बताएगी कि इसके पास चार्ज है ना,
क्योंकि एरिया ज्यादा है ना, तो इस यूट्यूब पर क्या होती है इंटरमीडिएट, क्लियर है। ये इन तीनों में तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको पता होनी चाहिए। डोपिंग मीन चार्ज कैरियर, जब हम पी टाइप और एन टाइप डोपिंग करते हैं, पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। अच्छा, अब इससे अगली बात क्या आती है कि जब हम ये ट्रांजिस्टर यूज करते हैं सर्किट में, तो सर्किट में ट्रांजिस्टर को यूज करने के लिए आप इस तरह का ट्रांजिस्टर तो वहां नहीं बनाते सर्किट में इतना बड़ा, तो हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे इसकी और सिंबॉलिक वे से वहां सर्किट में इसको शो करें, क्लियर है। तो सिंबॉलिकली हम इसको कैसे शो करेंगे ट्रांजिस्टर को, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब बेस है, बेस हम लोग के एक टेबल टाइप चीज है जिसने दूसरों को सहारा दिया हो, बात समझ रहे। तो बेस हम शो करेंगे दिस इस तरह की चीज से, कोई टेबल टाइप है और ये एज ए बेस एक्ट कर, और बेस के साथ कौन से दो रीजन कनेक्टेड है, कलेक्टर और एमिटर। तो ये एक रीजन बेस के साथ कनेक्टेड है लाइक दिस, और ये दूसरा रीजन कनेक्टेड है लाइक दिस। और इस तरह भी आप सिंपल शो कर सकती, इनको एक सर्कमफेरेंस के अंदर बंद भी कर सकती। ये आगे आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी एन जंक्शन, इसके तीन टर्मिनल आगे बेस, कलेक्टर और, लेकिन हाउ कैन बी रिकॉग्नाइज दैट विच टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर इज एमिटर एंड विच इज कलेक्टर, बट वो तो यहां से पता चलेगा ना, लाइन से कैसे पता चलेगा ये स्मॉल है ये लार्ज। हम ऐसा करेंगे कि एमिटर के ऊपर एरो हेड लगा, एमिटर के ऊपर क्या लगाएंगे एरो हेड, सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, कि एरो हेड वाला मेंशन क्या होगा एमिटर, और एरो हेड के बिना जो होगा वो क्या होगा कलेक्ट। तो इसके ऊपर में लगा लेता हूं एरो हेड Like this. अब बताओ कौन सा कलेक्टर है, कौन सा मीटर है, कौन सा बेस, अब बता सकते, क्लियर। अब लेकिन जब बात आ जाती है हमारे पास ट्रांजिस्टर कितनी तरह के हैं, या तो NPN है या तो PNP है। NPN में क्या होगा, ये वाला रीजन कौन सा होगा, हाईली डोप्ड विद, इसमें कौन से चार्जेस होंगे फ्री नेगेटिव, और इसमें भी कौन से होंगे नेगेटिव, लेकिन इसमें कौन से होंगे होल्स होंगे, क्लियर। अब एक तो ये हमारे पास पीएन जंक्शन आ गया जिसको हम क्या कहते हैं PNP, दूसरा कौन सा है PNP, देखो मैं PNP यहां शार्ट कर डायग्राम बना, PNP। अब देखो इन दोनों में भी डिफरेंस है, अगर ये वाली डायग्राम है ये अगर NPN की है तो आप क्या कहोगे, अगर P है तो P से करंट किधर जाएगा, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाएगा P टू N, तो बाय की तरफ डायरेक्शन है, तो मीटर का एरो हेड किधर होगा बाय, क्या करंट किधर जा रहा है, इसका मतलब है ये वाला रीजन क्या हुआ P से करंट N की तरफ जा रहा है, ये वाला रीजन क्या हुआ N, ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर हुआ NPN। अगर PNP की बात करें
टोपी वाला रीजन ये अग्रण के लिए जाएगा, तो पी सेन की तरफ अग्रण जाएगा। इसके लिए फिर डायग्राम कैसी बनी, जो एरो हेड किधर होगा, अंदर की तरफ। जो ये बताया गया कि ये वाला रीजन पी है, पी से अग्रण किधर जा रहा है, एन की तरफ, और ये भी क्या होगा, तो ये वाला हमारे पास ट्रांजिस्टर क्या बन गया, पीएनपी। तो इस तरह एनपीएन और पीएनपी दोनों में आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। और जब हम आगे सर्किट डायग्राम बनाएंगे इसकी, तो उसमें पीएनपी और एनपीएन दोनों यूज हो सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में आई थिंक पीएनपीएन है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह।